हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पावर शेयरिंग का लास्ट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ पावर पढ़ेंगे। आप पहले पढ़ चुके हैं कि पावर शेयर करना कितना ज़रूरी है और कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके लिए आपने दो स्टोरी को स्टडी किया, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम में आपने देखा कि पावर को शेयरिंग किया गया तो उसके कितने पॉजिटिव पॉइंट्स आए और वहाँ की जो सिटीजन्स थे कितने पीसफुली उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और श्रीलंका में आपने देखा कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के बड़े बड़े लीडर्स ने पावर शेयरिंग करने से मना कर दिया तो उनको सिविल वार का सामना करना पड़ा। तो इससे सिद्ध होता है कि पावर शेयर करना कितना इम्पोर्टेंट्स है। इसके मेन रीज़न है पावर शेयरिंग के, पावर शेयर करना हमें क्यों ज़रूरी है, इसके कुछ मेन रीजन्स हैं। पावर शेयर रिड्यूसेस फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में समाज जो है सोशल ग्रुप्स में बटा हुआ होता है, जातिवाद के अकॉर्डिंग या किसी भी भाषाओं के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने बेल्जियम और श्रीलंका में पढ़ा। तो उसको अच्छे से सामंजस्य बिठाना और इक्वलिटी लाना समाज में, इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए पावर को शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पावर रिड्यूस करती है, मिटाती है कम्युनिटीज़ में, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कम्युनिटीज़ में फाइट्स की जो चांसेस होते हैं और लड़ाई झगड़े के चांसेस को रिड्यूस कर देती है, मिटा देती है पावर शेयरिंग। सेकंड है, पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर किसी देश में डेमोक्रेसी सिस्टम है, जैसे कि हमारे देश में, अगर इसमें इक्वलिटी नहीं होगी, पावर की शेयरिंग नहीं होगी, तो डेमोक्रेसी का जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट है, वो उसका कोई मकसद नहीं है। तो डेमोक्रेसी की को जीवित रखने के लिए पावर को शेयरिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। इंडिया में पावर को किस लेवल पे शेयर किया जाता है ये हम देखेंगे। फर्स्ट है, पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गेन्स के तौर पर इंडिया में पावर को शेयर किया जाता है। मींस इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। मींस एक ही लेवल पे पावर को शेयरिंग करना, जैसे कि लेजिस्लेटिव, हमारी जो गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के अंदर आते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सिस्टम। लेजिस्लेटिव वो लोग होते हैं जो हमारे सिटीजन्स के लिए, इंडिया के सिटीजन्स के लिए लॉ फ्रेम करते हैं, लॉज को बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के कैबिनेट मेंबर्स, प्रधानमंत्री वगैरह वो होते हैं। और जुडिशरी सिस्टम होता है कोर्ट सिस्टम, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सिस्टम अलग से बने होते हैं, इसको जुडिशरी सिस्टम बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है जो कि हमारी इंडिया में की गई है। सेकंड है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स, जिसको कि डिफरेंट लेवल्स पे हमारी पावर शेयरिंग है, जिसको कि वर्टिकल पावर शेयरिंग बोलते हैं। मीन्स सीधे तौर पे पावर का शेयर होना। हमारे तीन चार लेवल पर जो है पावर शेयरिंग की गई है इंडिया में, नेशनल लेवल, यूनियन लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। सबसे पहले हम देखेंगे लोकल लेवल। लोकल लेवल में जो विलेज लेवल से, विलेज जो गवर्नमेंट है वो आती है। लोकल लेवल में विलेज गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट आती है, जिसमें कि पंचायत सिस्टम होता है। पंचायत हमारी पंचायत जो होती हैं वो लोकल लेवल में आती हैं, ठीक है बच्चों। और फिर उससे ऊपर की लेवल होती है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में हमारे जो राज्य बटे हुए होते हैं उनकी गवर्नमेंट को स्टेट लेवल बोलेंगे। जो स्टेट डिवाइडेशन होते हैं, कुछ स्टेट जो है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है हमारे, कुछ हमारे रिलीजियंस के ऊपर डिवाइडेड है। तो जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उनकी जो
उनके जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं वो आते हैं स्टेट लेवल पे, फिर उससे ऊपर का लेवल है गवर्नमेंट का यूनियन लेवल। यूनियन लेवल होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है, जिसमें कैबिनेट मेंबर्स आते हैं और प्रधानमंत्री वगैरह, कैबिनेट मेंबर्स और जो लेवल होता है इसको बोलेंगे यूनियन लेवल की गवर्नमेंट। और सबसे ऊपर की गवर्नमेंट आती है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में जो नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो इन तीनों लेवल की गवर्नमेंट को होल्ड करती है, और इसके हेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके प्रेसिडेंट जो हमारे इंडिया के हैं वो नेशनल लेवल गवर्नमेंट के हेड होते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है बच्चों, अब हमारे पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ इंडिया। इंडिया में सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है, जैसे जनरल ग्रुप, SC ग्रुप्स, ST हैं, और इन सब को जो रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे ग्रुप में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मींस रिजर्वेशन के जरिए हर ग्रुप को गवर्नमेंट में पार्ट लेने का या किसी भी एक्टिविटी में अपने इंडिया के पार्ट लेने का राइट है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। हमारी इंडिया में बच्चों अलग समय समय पर इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इलेक्शन लड़ती हैं और मेजोरिटी के अकॉर्डिंग उनकी जीत होती है। तो हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना जो चांस मिलता है अपनी पावर को दिखाने का, अपने को इक्वल साबित करने का और गवर्नमेंट में पार्ट लेने का। तो पॉलिटिकल पावर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो गवर्नमेंट की पावर बटी हुई है, शेयर्ड हुई है, और कभी कभी आपने देखा होगा किसी राज्य में बहुत सारी पार्टी मिलके गवर्नमेंट बना लेते हैं, जिसको कि कोलिशन गवर्नमेंट और बोलते हैं, जिसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में पावर को शेयर करने का ही एक रूप है। ऑलराइट बच्चों, तो आप समझ गए होंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका आज समाप्त हुआ। इसके बाद आपको होमवर्क करना है, जो आपको दो टॉपिक तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बट इसको डिटेल में आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और लर्न करिएगा। Write a brief note on the ethnic composition and accommodation of Belgium, जो कि आप पहले कर भी चुके हैं, इसको लर्न करना है आपको। Write a brief note on the ethnic composition and majoritarianism of Sri Lanka. थर्ड क्वेश्चन है, why is power sharing desirable? पावर शेयरिंग की इच्छा क्यों की जाती है, डिज़ायरेबल क्यों है, इतनी इच्छा पावर शेयरिंग की क्यों होती है हर कंट्री में, ये आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग लिखना है। बुक में आपको ये इसका आंसर मिलेगा और उसको आपको ब्रीफ नोट लिखना है इसके ऊपर। क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। इंडिया में पावर शेयरिंग की फॉर्म्स जो मैं आपको मैंने अभी समझाई हैं। ऑलराइट, ये सब क्वेश्चंस लिख के आपको नोटबुक में और उनको लर्न करना है। और नेक्स्ट ओके बच्चों।